मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आम नागरिकों के लिए तीर्थ दर्शन योजना चलाई जा रही है। इस योजना में शिवपुरी जिले के 348 नागरिक यात्रा के लिए शिवपुरी से रवाना हो चुके हैं। नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए डॉक्टरों और सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई है। नगरपालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा ने बताया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा चलाई जा रही तीर्थ दर्शन योजना में शिवपुरी जिले के 348 नागरिकों को ट्रेन से भेजा गया है और यह काशी विश्वनाथ की यात्रा करेंगे। नागरिकों के लिए सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई है, साथ ही स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टरों को भी रवाना किया गया है। सरकार द्वारा नागरिकों के लिए खाने पीने से लेकर सारी जरूरतों की सुविधा मुहैया कराई गई है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना मध्य प्रदेश सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना है। काफ़ी वर्षों से चल रही है और हमारे ज़िले को काशी विश्वनाथ की यात्रा ये हमें मिली है और आज ये जा रही है। चार दिन तक 348 यात्री इस यात्रा में जा रहे हैं। हमारे ज़िले भर से सभी वरिष्ठ जन बुजुर्ग वो हमारी मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना का लाभ ले रहे हैं। इस योजना में डॉक्टर्स की व्यवस्था है, सुरक्षा की दृष्टि से भी व्यवस्था है, सहयोग की दृष्टि से भी शासकीय कर्मचारी इसमें देखभाल के लिए पालक बन के जा रहे हैं। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, समय पर स्वल्पाहार नाश्ता मिलेगा, समय पर खाना मिलेगा, उनके ठहरने की उचित व्यवस्था होगी। ऐसी घर के हम लोग अपने घर के लोगों की नहीं कर पाते, ऐसी व्यवस्था हमारी मध्य प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ये यात्रा हमारे वर्षजनों के लिए ये यात्रा चाल प्रारंभ की है, जो लगातार कई वर्षों से मध्य प्रदेश में ये चल रही है। ये काशी विश्वनाथ यात्रा है, यहाँ से आज चल रही है। एक विश्वनाथ भगवान भोलेनाथ के दर्शन कराएगी, बीच में जितने वहाँ भी जितने भी जो तीर्थ हैं उनके दर्शन कराते हुए 24 तारीख को यात्रा पूरी होके यहीं पर यात्रियों को लाइए। क्या नाम है महाराज आपका? मेरा पंडित डीआर शास्त्री। आज जो यात्रा है, आज हमारी तीर्थ दर्शन यात्रा मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से है, जो हम लोग सभी 300 सवारी इस ट्रेन से बनारस के लिए रवाना हो रही हैं, जो भगवान बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे, गंगा का स्नान करेंगे, शरीर से मन से तन से पवित्र होंगे और श्री शिवराज सिंह चौहान जी के लिए आशीर्वाद देंगे कि उनने इतनी अच्छी सुविधा युक्त हम लोगों को ट्रेन में देकर के सारी सुविधाओं के अनुसार युक्त और वहाँ भेज रहे हैं बनारस के लिए भगवान के दर्शन करने के लिए, भोजन बाबा भोलेनाथ के दर्शनों के लिए। तो हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि इतनी अच्छी व्यवस्थाओं से हम लोगों को वहाँ भेज रहे हैं और बाबा भोलेनाथ से हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनके लिए धन्यवाद मिले और आशीर्वाद मिले तीर्थयात्रियों की तरफ से। बार बार उनको धन्यवाद यात्रियों की तरफ से और सदैव ऐसे अच्छे काम वो करते रहें अपने जीवन में, जिससे लोग उनको धन्यवाद देते रहें और वो धन्यवाद के पात्र हमेशा के लिए बने रहें। सरकारें तो बहुत आती हैं जाती हैं, पर इस तरह से यात्राएं बहुत कम लोग कराते हैं। जो शिवराज सिंह जी के कार्यकाल में ये सुंदर यात्राएं हम लोगों को करने के लिए मिल रही हैं, इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। आशीर्वाद है उनके लिए हमारी तरफ से। देखिए, विधानसभा के चुनाव में तो जो उनका अन्न जल खाएगा वो उनको वोट देगा, जो इतनी अच्छी सुविधाओं में जा रहा है और वो भेज रहे हैं, तो हम भी चाहते हैं कि सभी यात्री से आग्रह करते हैं कि उनको वोट दें और धन्यवाद का पात्र माने कि उन्होंने इतनी अच्छी सुविधाओं में तुम्हारे पुत्र नहीं भेज सकते, तुम्हारे भाई नहीं भेज सकते और तुम स्वयं नहीं जा सकते, जितनी अच्छी व्यवस्थाओं में वो भेज रहे हैं। अरे इतना सहयोग किए भारतीय जनता पार्टी तो साहब बहुत बहुत व्याख्यान देने लायक है, बहुत बहुत धन्यवाद देने लायक है और हम लोग भी धन्यवाद देते हैं। जी सर, अभी शिवपुरी से बनारस के लिए हम लोग रवाना हो रहे हैं और सभी हमारे जितने पिछोर बंधु पधारे हुए हैं इस डिब्बे में, तो सभी की तरफ से शिवराज सिंह जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। यात्रा हम लोग पिछोर से बनारस। जी सर, पिछोर ये काशी विश्वनाथ के लिए यात्रा गई है शिवपुरी
गुना और अशोक नगर होते हुए ये काशी विश्वनाथ की यात्रा थी। और ये जो यात्रा माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाई है, ये यात्रा बहुत ही सराहनीय यात्रा है। और इस यात्रा में हमारे वो लोग यात्रा करने जाते हैं जिनके बच्चे अपने माता पिता को यात्रा नहीं करा सकते, ऐसे लोग यात्रा पे जाते हैं। और ये श्रीमंत महाराज साहब की विधानसभा क्षेत्र है जिसमें पूरा ख्याल महाराज साहब रखती हैं। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया द्वारा जो यात्रा चलाई, तीर्थ दर्शन यात्रा चलाई जा रही है, वो इतनी सराहनीय यात्रा है सब लोगों के लिए। जिस तरह से हमारे लिए भागीरथ जी गंगा जी को लेके आए, इसी तरह से हमारे माननीय शिवराज मुख्यमंत्री, आदरणीय शिवराज मुख्यमंत्री जी और माननीय हमारी यशोधरा राजे सिंधिया जी ये जो तीर्थ दर्शन यात्रा लेके आई हैं, ये बहुत ही सराहनीय और अद्भुत यात्रा है। मैं इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ, हमारी यशोधरा राजे सिंधिया जी को धन्यवाद करती हूँ, पूरे शहरवासी उनका धन्यवाद अदा करते हैं। यात्री के लिए कोई सुविधा ट्रेन में, जैसे कोई डॉक्टर वगैरह? हाँ, हमारे तीर्थ यात्रियों को खाने से लेकर पूरी सुविधा ट्रेन में दी जाएगी, खाना और ट्रेन में मिलेगा। और सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस उनके साथ गई है और उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए डॉक्टर भी उनके साथ गए हैं। कितने लोग हैं यहाँ से, यूपी से गए और यूपी से? 348 लोग। 348 जी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।